हमने अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाया, डॉक्टरों की उपस्थिति, पैरामेडिक स्टाफ की स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सुनिश्चित की गई। अब बारी थी सेहत का हाल जानने की। सरकारी अस्पताल सालों से खुद बीमार थे। सरकारी अस्पताल, साधन, सुविधा, जरूरी उपकरण, बेड बिछौने सबसे लैस किए गए। दवा दारू मरहम पट्टी अब सरकार की ओर से। डॉक्टरों को प्रेरित किया गया और हिदायत दी गई कि हम सबको मिलकर एक मिसाल कायम करनी है और मरीजों के साथ लापरवाही कतई नहीं होने देना है। फिर तो सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पतालों में कभी साल में पूरे राज्य भर से 50,000 महिलाएं ही आती थीं, अब हर साल लगभग 15 लाख आ रही हैं। गया की सुमी देवी इस बात की मिसाल हैं। एक बच्चा वाजिब इलाज के अभाव में नहीं रहा, पर दूसरा बच्चा होने के वक्त राज्य के हालात बदल गए थे। बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। सुमी देवी के मुरझाए उदास चेहरे पर जैसे खुशी की कोई लकीर खिंच गई। जब 9वां महीना मेरा पूरा हो गया तो फिर मैम बोली कि यहाँ मतलब यहीं डिलीवरी आकर करवाना, यहाँ सारा चीज़ का सुविधा। फिर जब मैं वहाँ डिलीवरी करवाने गई तो मुझे सारा चीज़ का सुविधा मिला। वहाँ डिलीवरी मेरा भी अच्छा से हो गया। सड़कें, अस्पताल, बिजली, रोजगार और कारोबार के सब साधन हो गए हैं तो पलायन थमने लगा है।